हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और इसको हम शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं, और ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है। बैंक रिकन्सिलेशन, इसके नाम से ही स्टूडेंट्स पता लग रहा है कि हमें कुछ बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हमें रिकनसाइल करना है। अब इन ट्रांजेक्शन्स को किसके साथ रिकनसाइल करना है ये हमने देखना है, इसको हम समझेंगे, थोड़ी देर में समझते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने कैश बुक के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। मैंने खुद कैश बुक के चैप्टर्स 5 वीडियोज़ अपने बनाए हुए हैं, वीडियो नंबर 27 से 31 मेरा अपना सीरियल नंबर चल रहा है। ये 5 वीडियोस हैं कैश बुक के ऊपर, डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर 2 वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 29 एंड 30। तो अगर आप स्टूडेंट्स BRS चैप्टर को डायरेक्टली देख रहे हो विदाउट इन वीडियोस को देखा हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अभी के अभी एग्जिट करो और पहले इन वीडियोस को देखिए। मेरे वीडियो 27 से 31 तक, और डबल कॉलम कैश बुक जो इस चैप्टर में यूज़फुल है समझना, वो है 29 और 30, इसी में ही इंक्लूडेड है 2 वीडियोस। आप इनको देखेंगे पहले, तो उसके बाद ये अच्छे से और समझ में आएगा। फिर भी हम डबल कॉलम कैश बुक को यहाँ पर भी हम समझेंगे, अभी हम पहले उसी को ही थोड़ा समझते हैं, रिवाइज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमारे डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स होते थे, बैंक कॉलम कैश कॉलम और बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी। ये हमारा फॉर्मेट होता था, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये डेट का कॉलम हो गया। ये अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कैश बुक के ऊपर। कैश बुक हमारी एक एसेट्स की तरह है, एसेट्स ही है। एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरह कैश बुक में भी अगर कुछ इंक्रीज है, कैश या बैंक कॉलम में इंक्रीज है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। मीन्स जितनी भी हमें रिसीव हो रही है, रिसीव हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको रिसिप्ट कॉलम हमारा डेबिट कॉलम है और पेमेंट कॉलम हमारा क्रेडिट कॉलम है। इस चैप्टर में, BRS वाले चैप्टर में, कैश कॉलम का हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंक के अकाउंट को, बैंक स्टेटमेंट को हमने सिर्फ से अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से ही रिकनसाइल करना है। जो हमको बैंक से स्टेटमेंट मिलती है, मंथली मिलती है, या पासबुक भी जिसे बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हमने कैश बुक के बैंक कॉलम से रिकनसाइल करना है। तो अभी हम इसको समझते हैं। उससे पहले मैं अभी कैश कॉलम ही हटा देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स, कैश बुक का मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसमें से डबल कॉलम कैश बुक में से मैंने कैश कॉलम को अभी हटा दिया है, सिर्फ से हम बैंक कॉलम डेबिट साइड और बैंक कॉलम क्रेडिट साइड, इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे। डेबिट कॉलम में हम बैंक के रिसिप्ट एंट्री करेंगे और क्रेडिट कॉलम में हम बैंक की पेमेंट एंट्री करेंगे। अब आप चलिए बैंक की तरफ। जो हम ये बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, तो बैंक हमें एक स्टेटमेंट देता है, बैंक उसको बोलते हैं पासबुक। बैंक की पासबुक में एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है, एक होता है बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस जिसे आप बोलते हो। और यह हो गया पर्टिकुलर्स। कुछ भी अगर हम पैसा जमा करते हैं तो वो बैंक कहाँ दिखाता है? बैंक उसको क्रेडिट साइड में दिखाएगा। हमारे कोई भी पैसा आता है, हम कहते हैं ना इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट में,
तो हमारे अकाउंट है क्रेडिट। अगर क्रेडिट में है बैलेंस है तो इट मींस दिस मच ऑफ कैश इज़ अवेलेबल टू अस। अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब हमने कोई खर्चा किया है, हमने कोई पेमेंट करी है तो डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे वो बैलेंस दिखाता है। अब हम एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमने क्या एंट्री को रिकनसाइल करना है बैंक की एंट्री को कैश बुक के बैंक कॉलम से। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक में कैश जमा करते हैं तो आप क्या करेंगे, कैश जमा करेंगे तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ हमने जमा किए, ठीक है, तो इमिडिएटली आपने बैंक में जमा किए तो आपकी बैंक की पासबुक में भी ये क्या दिखा देगा, 10,000 रुपीज़, और बैलेंस में आपको कैश अवेलेबल दिखा देगा 10,000 रुपीज़। बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में ऐसा दिखाता है ना, आपने 10,000 रुपये जमा किए वो 10,000 रुपये क्रेडिट में दिखा देगा और बैलेंस अवेलेबल दिखा देगा 10,000। सपोज और आगे चलिए, आपको कोई रेंट मिला है, रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज़, चेक से पेमेंट हुआ है तो हमने रिसिप्ट कॉलम में हमने दिखा दिया 5,000 रुपीज़, तो बैंक भी क्या करेगा आपको रेंट दिखा देगा, रेंट 5,000 रुपीज़, बैलेंस अवेलेबल आपके पास हो जाएगा 15,000। रेंट में नाम आएगा, इसमें किसका चेक था वो नाम आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक दिया, 2,000 रुपीज़ का चेक दिया, हमने पेमेंट करी है 2,000 रुपीज़ की, तो वो चेक यहाँ आ जाएगा। अगर आप सपोज बाय पेमेंट हम इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाय इलेक्ट्रिसिटी 2,000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का चेक दिया है, तो अब बैंक में क्या आएगा, बैंक क्या करेगा आपको डेबिट में डालेगा क्रेडिट में डालेगा। 2,000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल चला गया तो बैंक भी आपको क्या करेगा, डेबिट कर देगा 2,000 रुपीज़, और अवेलेबल बैलेंस कितना दिखा देगा आपके पास 13,000। और आप अगर यहाँ पे अपनी कैश बुक को टैली कर रहे हो तो 15,000 ये है और 15,000 आप यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और बाय बैलेंस सीडी कितना दिखाओगे आप, 13,000। 15,000 में से 2,000 माइनस किए 13,000, और बैंक बुक भी आपकी 13,000 दिखा रही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स इस लेवल तक बीआरएस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीआरएस तभी बनेगा जब हमारा ये बैलेंस और ये बैलेंस अगर रिकनसाइल नहीं हो रहा है तब बनेगा बीआरएस। यहाँ तक हम बिल्कुल खुश हैं, 13,000 हम दिखा रहे हैं, 13,000 बैंक दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं। सपोज 27 अप्रैल, अप्रैल के महीने की ट्रांजेक्शन है मान लीजिए आप सारी, 27 अप्रैल को आपने एक मोहन को चेक दिया, कितने का दिया, फॉर एग्जाम्पल 3,000 का दिया। हमने मोहन को चेक देते ही अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में 3,000 रुपीज़ पेमेंट साइड में दिखा दिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आपने 28th को आपको एक चेक मिला, फॉर एग्जाम्पल सुरेश से, सुरेश हमारा डेटर्स रहा होगा, उसने हमें चेक दे दिया 4,000 रुपीज़ से। आपने जैसे ही चेक मिला आपने चेक की एंट्री कर ली यहाँ रिसिप्ट में कर ली, और बैंक भी जमा करवाई है जाके, आपने तो जमा कर दिया 28 तारीख को। अब आपने अपना बैंक अकाउंट टैली किया महीने के आखिर में तो आपका ये आ रहा है 19,000, और यहाँ पे भी 19,000, अब कितना बैलेंस होना चाहिए बैंक में आपके, 14,000 इतना आना चाहिए बैलेंस, बैंक बैलेंस। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं 30th को तब वो स्टिल 13,000 ही बैलेंस अवेलेबल दिखा रहा है, जबकि आपके अकाउंट में 14,000 बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। अब आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हुई है, या तो आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे कंप्लेंट करने जाएंगे, नहीं उससे पहले आप कहेंगे चलो मैं अपना अकाउंट देख लेता हूँ कि हमने कुछ गलत किया हुआ है, क्या किया हुआ है, हो सकता है गलती किसी की भी ना हो, है ना। अब हमने ये देखा 27 तारीख को हमने मोहन को चेक दिया था, अब मोहन ये तो है नहीं हमसे चेक लेके तो सीधा दौड़ा हुआ बैंक गया होगा और उसने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया होगा। हो सकता है मोहन चेक लेके घर चला गया, उसने सोचा चेक तो मिल ही गया बैंक से, अब 1-2 दिन में डाल दूंगा। 1-2 दिन में उसने डाला, कब डाला, उसने डाला ही नहीं, मान लीजिए 30th तक चेक डाला ही नहीं है,
तो बैंक में तो आएगा नहीं। उसने डाला मान लीजिए फर्स्ट को, तो वो अगले महीने मई के महीने में बैंक में शो करेगा। इसी तरह सुरेश का जब चेक आपने लिया था, आपने तो फौरन बैंक में 28 तारीख को जाके डाल दिया। हो सकता है 29 का सैटरडे हो, संडे हो, 30 तारीख का या कोई हॉलिडे आ रही हो, तो वो 30 तारीख तक बैंक में कलेक्ट ही नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आप तो डालिए, आपने तो एंट्री कर ली इसको, जैसे ही आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला आपने ये सोचा कि जी बैंक में भी क्रेडिट हो गया। ऐसा नहीं है, बैंक 2-3 दिन तो लेता ही है, और अगर अगले 2 दिन मान लीजिए अगर छुट्टी के दिन है तो और 2 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए ये इसमें नहीं शो कर रहा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, रीज़न ऑफ डिफरेंस क्या है हमारा? हमारा रीज़न ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ड्यू टू टाइम, डिफरेंस ड्यू टू टाइम। टाइम का ही तो फर्क है। ये दोनों एंट्रीज, ये वाली और ये बदली एंट्रीज, दोनों शो करेगा बैंक, लेकिन नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट कौन सा महीना है हमारा? मई का महीना है। तो गलती नहीं है, हम कंप्लेंट लेके बैंक के पास नहीं जाएंगे, हम अभी थोड़ा सा सब्र करेंगे। हमने ये दोनों एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक ये एंट्री को आइडेंटिफाई कर लिया, एक इस एंट्री को आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? डिफरेंस ड्यू टू टाइम। चलिए और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए बैंक कुछ अपने चार्जेस ले लेता है, बैंक भी तो चार्जेस ले सकता है, जैसे SMS चार्जेस होते हैं, या बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है तो उसके भी सर्विस चार्जेस वो लेता है। तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, 100 रुपये लगा दिए, 100 रुपये डेबिट कर दिया उसने। और इसी तरह बैंक ने कुछ इंटरेस्ट भी दिया है हमें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया 500 रुपीज़। ये दोनों ट्रांजैक्शंस बैंक ने अपने एंड पे करी हैं, बैंक हमें नहीं बताएगा फोन करके। ये हमें तब पता चलेगा जब हम अपनी पासबुक को कंप्लीट करेंगे या हम बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, वो हमें डेबिट किया है और क्रेडिट किया है बैंक इंटरेस्ट। तब तक हमारी कैश बुक में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है ना, तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ना। तो ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं स्टूडेंट्स, ये दो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक हैं, हमारे को इस ट्रांजेक्शन्स के बारे में नहीं पता है। तो दूसरा रीज़न डिफरेंस का क्या हो सकता है? ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, ये दोनों ट्रांजैक्शंस वही ट्रांजैक्शंस हैं, ये बैंक ने अपने आप डाली हैं। ये हमें तब पता चलेंगी कैश बुक में, तब आएंगी जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाया जाएगा या पासबुक को कंप्लीट करवाया जाएगा। एक और केस लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए रामलाल एक चेक दे के गया हमें, टू रामलाल हमारा डेटर्स था, हमें एक चेक दे के गया 203 रुपीज़ का, 203 रुपीज़ का। बाय मिस्टेक हमने अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में हमने उसको 203 की जगह 302 लिख दिया। अब बैंक हमें 302 का थोड़ा क्रेडिट देगा, बैंक तो हमें जो एक्चुअल है चेक जो है 203 का ही देगा। रामलाल, तो एक ये एरर हमने आइडेंटिफाई करी है कि बैंक जो दिखा रहा है हमें क्रेडिट कॉलम में 203 दिखा रहा है और हम दिखा रहे हैं 302। तो एक और रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट विद अवर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज, थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? एरर और ओमिशन। ये किसी भी एंड पे हो सकती है, ये मिस्टेक हमने करी है, हो सकता है ये मिस्टेक बैंक कर देता। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इस ट्रांजैक्शंस को छोड़ के ये सारी ट्रांजैक्शंस में किसी की भी गलती नहीं है, ना बैंक की गलती है ना यहाँ पे कोई गलती है, किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं जाती है। इस ट्रांजैक्शंस में सिर्फ से कैश बुक बनाते वक्त गलती हुई है, ये हमें अपने एंड पे रेक्टिफाई करना है। बैंक ने ये ट्रांजैक्शंस सही रिकॉर्ड करी है, बाकी जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं इन सब में जो रीज़न ऑफ डिफरेंस है, या तो वो डिफरेंस ड्यू टू टाइम है या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक है।
हमने यहाँ पे इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है और हम एक जगह नोट कर लेंगे, और जहाँ नोट करेंगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं द कॉजेज द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैंक पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। यहाँ पे कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट तो है ही नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ से रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, कॉजेज हमने देखने हैं कि क्या कॉजेज हैं, कैश बुक और बैंक पासबुक क्यों नहीं टैली हो रही है, सिर्फ से यही आइडेंटिफाई करना है, इसमें डेबिट क्रेडिट कहीं पर भी नहीं है। हमने रीजंस को, हमने कॉजेज को कि क्यों डिफरेंस आ रहा है बैंक पासबुक में और कैश बुक के बैंक कॉलम में, उनको आइडेंटिफाई करना है और एक जगह लिखना है और एक स्टेटमेंट बनानी है, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको किस तरह से हमने स्टेटमेंट बनानी है हम अब इसको देखेंगे। मैं इसको अभी रब करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, सबसे इजी फॉर्मेट है ये। इसमें सिर्फ से तीन कॉलम आपने बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। इसके एंट्रीज हम जब करेंगे, इसके स्टेप वाइज हम समझते रहेंगे किस तरह से एंट्री होगी। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन आपने लिखना है किस डेट पे बना रहे हैं। मान लीजिए अगर 30 जून को बना रहे हैं तो 30 जून लिख देंगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स साल में आप जितनी बार मर्जी बना लीजिए, कभी भी बना लीजिए, आप मंथली बना लीजिए या क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं और ईयरली भी बना सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो आपको प्रेफरेबली आपको मंथली बनानी चाहिए। तो हम उसमें BRS एज ऑन डेट लिख देंगे कि 30 अप्रैल है या 31 मई है, जून है, वो लिख देंगे। शुरू करने से पहले एक दफ़े कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक पासबुक, इसको थोड़ा सा और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैंक पासबुक, कैश बुक का ये बैंक कॉलम है। अगर बैंक कॉलम इंक्रीज होता है तो कहाँ शो करते हैं हम, डेबिट में, और अगर डिक्रीज होता है तो हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। और बैंक पासबुक, बैंक कहाँ करता है, बैंक अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो करेगा क्रेडिट में, क्योंकि बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना, आप जितना पैसा बैंक में जमा करेंगे तो वो बैंक आपको क्रेडिट कर देगा, कहते हैं ना अमाउंट क्रेडिटेड, सैलरी क्रेडिटेड हो गई है तो वो बैंक आपको क्रेडिट कर देगा, उसके लिए लायबिलिटी है। और अगर डिक्रीज होता है तो वो बैंक आपको कर देगा डेबिट। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ TS ग्रेवाल। तो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको बोर्ड पे करूँगा, एक इसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो पे भी लगा दूंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है 12.12 पेज पे। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 ऑन 30 जून 2017। बैंक कॉलम क्या कह रहा है, कैश बुक का बैंक कॉलम 49,000 डेबिट बैलेंस है, ये बोल रहा है। स्टूडेंट्स अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 49,000, इट मीन्स हमारे पास बैंक में कैश अवेलेबल है। इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। अगर आपको बोले कि कैश बुक शोड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹49,000, तो इट मीन्स क्या लगाएंगे आप कि ये डेबिट बैलेंस है हमारा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो बोलते हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस। इसी तरह अगर पासबुक का, बैंक पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बोला जाएगा फेवरेबल बैलेंस। कभी कभी ये टर्म यूज़ कर ली जाती है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल बैलेंस। हो सकता है आपको कह दें कि बैंक पासबुक शोड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ रुपीज़ दिस मच, तो आप समझ जाइएगा कि क्रेडिट बैलेंस है।
आगे चलते हैं। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। वो कहता है बैंक स्टेटमेंट की पासबुक जो है वो 37,400 से क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स इतना पैसा अवेलेबल है। और कैश बुक में जो आ रहा है बैलेंस 49,000 आ रहा है 30 जून को। तो ये जो देखिए जो डिफरेंस आया है, अब इसी को ही हमने आइडेंटिफाई करना है, और हम उसको उस आइडेंटिफाई को जो आइटम्स हम नोट करेंगे हम इस स्टेटमेंट में नोट करेंगे, जिसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या कहता है। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। अब एंट्रीज भी आपको बता दी हैं, जो जिन ट्रांजैक्शंस में इन्होंने मिसमैच देखा पासबुक में और कैश बुक में मिसमैच देखा, उन एंट्रीज को भी आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ से बैंक BRS में नोट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या करना है, या तो हम एक बैलेंस लेके चलेंगे, हमें बैलेंस लेके चलना है, या तो हम बैलेंस लेके चलें डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 49,000, या हम ये भी लेके चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना था 49,000। अब हमें 49,000 को 37,400 ये दिया हुआ है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। टारगेट क्या है 37,400, और आपको ट्रांजैक्शंस भी दी हुई हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आया है, उन ट्रांजैक्शंस को हमने प्लस या माइनस में लिखना है, और हम 37,400 तक पहुँच जाएंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं 49,000 से। अगर हम 37,400 से शुरुआत करते हैं यहाँ पे, तब हमें पहुँचना होता 49,000 तक। तो अब हम एंट्रीज को पढ़ते हैं। चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000 एंड ऑफ मोहन ₹15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून 2017। ये कहता है श्याम के और मोहन के 9,000 और 15,000 के दो चेक्स थे जो बैंक में जमा कर दिए हैं, हमने अपनी कैश बुक में दिखा दिए हैं, लेकिन बैंक 30 जून तक की जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं दिखा रहा। इट मीन्स बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है कम आ रहा है, हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो हमें अगर 37,400 तक पहुंचना है, ये क्यों डिफरेंस आया, ये डिफरेंस है रीज़न ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ड्यू टू टाइम है, 30 जून तक की डेट में नहीं आया, आ जाएगा अगले महीने बैंक दिखा देगा। तो फिलहाल हमें अगर टैली करना है तो हमें 9,000 और 15,000 हमको भी तो इतना 24,000 से माइनस करना पड़ेगा। ये है चेक, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। 30 तारीख की डेट में, एज ऑन 30 जून 2017 की डेट में ये चेक्स 24,000 के डिपॉजिट कर दिए थे हमने, हमने इसमें ले लिया है, लेकिन बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं दिया। तो बैंक ने नहीं दिया तो हम भी माइनस कर देते हैं अपने में से, टैली तो करना है, अगले महीने बैंक दिखा देगा। ठीक है, इतना क्लियर है, और आगे चलें। रमेश ए डेटर डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इन टू बैंक। अब रमेश एक डेटर है हमारा, बहुत अच्छा डेटर है, जिसने हमें बताया भी नहीं और हमारे अकाउंट में ₹8,000 जाके बैंक में जमा करवाया आया। तो बैंक में जमा करवा दिए तो इसका मतलब उसने क्रेडिट, बैंक ने हमें क्रेडिट दिया था 8,000 से, हमें तो पता ही नहीं। तो हमने अपनी कैश बुक में इसमें तो एंट्री नहीं करी ना, बैंक ने ऐड किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे ₹8,000 से। रमेश क्या लिखेंगे, रमेश डिपॉजिटेड चेक डायरेक्टली इनटू बैंक, रमेश डिपॉजिटेड चेक डायरेक्टली इनटू बैंक, ये पूरा का पूरा इसमें आप ऐसे डेज लिख दीजिएगा। 8,000 बैंक ने पहले ऐड कर रखे थे तो हमने भी ऐड कर दिया अपने उसमें। ठीक है, और आगे चले। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹500। अब बैंक ने ₹500 इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, इसका मतलब इस 37,400 में बैंक ने पैसे दिए हैं ₹500, हमें तो पता ही नहीं। बैंक ने अपने ऐड किया हुआ है तो हम भी ऐड कर देते हैं ₹500 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बस ₹500।
और आगे चलते हैं। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राधे श्याम हमारा एक डेटर है जिसको हमने 10,000 का चेक दिया जून के महीने में। अब राधे श्याम बैंक में पहुंचा ही नहीं उस चेक को लेके। अब पहुंचा ही नहीं है तो बैंक को तो पता ही नहीं, तो वो हमारा पैसा तो एज इट इज़ बैंक में है, बैंक से विड्रॉ नहीं हुआ, जबकि हमने अपनी कैश बुक में उसे क्रेडिट दिखा दिया था। और बैंक में तो ये आ ही नहीं रहा, हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ₹10,000 से और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन टू बैंक। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, हमने क्रेडिट कर दिया था ₹10,000 को, बैंक में नहीं पहुंचा 30 जून तक, तो हम उसको फिर से ऐड करेंगे क्योंकि हमें 37,400 तक पहुंचना है। हम ये मान लेते हैं ठीक है, अभी हमारे पास भी नहीं था वो, हमने फॉर द टाइमिंग उसको मिलाने के लिए हमने अपने अकाउंट में फिर से उसको ऐड कर दिया। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम जून के महीने में दे देना 6,000 रुपये का। अब हम तो भूल गए, हमने अपनी कैश बुक में तो हमने क्रेडिट में डाला नहीं, बैंक ने क्या किया है हमें डेबिट किया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बैंक ने हमारे अकाउंट को 6,000 रुपये से कम किया हुआ है, तो हम भी अपने बैंक रिकन्सिलेशन में 6,000 रुपये कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ये हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर हुआ है कि 6,000 रुपीज़ बैंक ने अपने आप पे कर दिए, तो हमने अपनी कैश बुक में उसको क्रेडिट नहीं किया था, क्रेडिट नहीं किया था। अब कर लो भाई, अब यहाँ माइनस दिखाओ इसको, तभी हम 37,400 तक पहुँचेंगे। और एक लास्ट एंट्री है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100 बीइंग बैंक चार्जेस। अब बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया है, डेबिट कर दिया है, तो ठीक है हम भी अपने अकाउंट को कम कर लेते हैं, ₹100 से हमने कर दिया बैंक चार्जेस। ₹100 से हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें इनकी बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग करनी है तो अब आप डेबिट साइड देखिए, प्लस वाला साइड बड़ा साइड है, हम इसका टोटल कर लेते हैं 49,000। 49,000 में हमने 18,500 ऐड कर दिए, तो ये आ गया 67,500, ठीक है। 67,500 हमने यहाँ पे भी लिख देंगे, दोनों साइड हम लिख देंगे। अब 67,500 में से हम ये तीन एंट्रीज हटा दें, 24,600, 30,000, 30,100, माइनस में 30,100 माइनस कर दें, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा 37,400 आ गया। अब 37,400 पे ही हमें पहुंचना था, हम ये आ गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कितना आ गया ये स्टूडेंट्स, 37,400। ईजी था, थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, कल हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जांपल लेके आऊँगा, थोड़ा सा हम और हायर साइड पे जाएंगे, थोड़ी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन्स को लेके आएंगे, समझेंगे उसको। और तब तक आप इसको देखिए, समझिए, अच्छे से कोशिश करिए। तो मिलते हैं फिर PRS के एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।